होगी त्रिपदा इंग्लिश स्कूल और दिव्यपथ साइंस स्कूल के बीच में सबसे पहले क्वार्टर फाइनल से। त्रिपदा इंग्लिश स्कूल वर्सेस दिव्यपथ साइंस स्कूल, इन दोनों के बीच खेला जाएगा मुकाबला। कॉइन टॉस जीता दिव्यपथ साइंस स्कूल ने, उन्होंने चूज किया कोर्ट। पहली रेड करेंगे त्रिपदा इंग्लिश स्कूल से, जर्जी नंबर 4, नाम है इनका नील धर्मेश कुमार। तो चलो कुछ कमाल दिखाओ नील मेरे यार। कमाल की आपसे बात करी लेकिन कमाल कर दिया है उनके विरोधियों ने। दिव्यपथ शुरुआत करी है पहला पॉइंट निकाल के। मुश्किल होती है, रूल्स तो देखिए उसी कबड्डी के हैं जो कि ये खुद देखते हैं और ऐसे ही पॉइंट्स निकालते हैं। दिव्यपथ स्कूल कबड्डी 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 हर सांस में कबड्डी, तो ये छोटे बच्चे क्यों दूर रहेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड किया, एंकल बचा लेकिन टीम आ गई बचाने और टैकल का एक पॉइंट मिलेगा जरूर। बोनस लेने की कोशिश, बैक किक भी लगा रहे थे, पवन सहरावत भी ऐसा करते हैं लेकिन पगल अत्र चली भी तो खड़े होते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। दिव्यपथ स्कूल वही हुआ है, तीन खिलाड़ी बचे मैट पे, यानी कि सुपर टैकल ऑन है। जब मैट पे तीन या तीन से कम खिलाड़ी होते हैं डिफेंडिंग साइड में तो सुपर टैकल ऑन होता है। और यहाँ जर्जी नंबर 9 मीत अंकित जोशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ टीम ऑल आउट, त्रिपदा इंग्लिश स्कूल को ऑल आउट किया दिव्यपथ साइंस स्कूल ने ऑल आउट के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, 1 पॉइंट प्लेयर को बाहर करने का और बहुत बढ़िया लीड लेती हुई दिव्यपथ साइंस स्कूल। एक बार फिर से ऑल आउट होके ऑल इन आए थे लेकिन रेडर को बाहर जाना पड़ेगा दिव्यपथ स्कूल। मुझे तो ये डिफेंस बिल्कुल गुजरात जायंट्स का डिफेंस लग रहा है। नयन क्या आपने नयनों से देख पा रहे हैं पॉइंट कहां से निकालेंगे? निकाल लिया लेकिन और भी पॉइंट चाहिए उन्हें, ये और चाहते थे पॉइंट्स। यहां चेन लेकर आए थे लेकिन चेन पहले ही छूट गई और एक पॉइंट मिला। और फर्स्ट हाफ यहां होता है समाप्त और फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर है 4-13। और चलिए होती है शुरुआत वापस से दिव्यपथ लीड पे लेकिन त्रिपदा इन आखिरी 5 मिनट में ऐसी गलतियां और नहीं कर सकते, नहीं तो पॉइंट्स दिव्यपथ के पास ही जाएंगे। 3 नंबर जर्सी नयन हाफ लाइन तक पहुंच गए लेकिन क्या पॉइंट्स निकाल लिए और अगर निकाल लिया तो कितने? क्या ये है शुरुआत त्रिपदा के कमबैक की? 2 पॉइंट्स निकाले, मल्टी पॉइंट रेड त्रिपदा की तरफ से। ये अच्छा डैशर एडवांस पकड़ लिया नयन, बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिव्यपथ साइंस स्कूल का। मीत अंकित जोशी डिफेंस में हाई फाई कर चुके हैं, 5 पॉइंट्स 5 टैकल पॉइंट्स उनके पास और रेड में भी अच्छे लेकिन इस बार निकलने में दिक्कतें हो सकती हैं। जा जरूर रहे हैं लेकिन उन्हीं के आगे आए खिलाड़ी रेड आउट। बस यही छोटी हाइट लेकिन बड़ी फाइट। 20-20 सेकंड की एक रेड होती है, 5-5 मिनट का एक हाफ है और हर रेड डू और डाई रेड होती है लेकिन इस रेड में क्या पॉइंट्स निकल पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल होगी जोशी को। मीत पारेख को त्रिपदा इंग्लिश स्कूल के इन बच्चों ने बाहर का रास्ता दिखाया, अकेले डिफेंडर पूरी जान लगा दी, भैया लाइन क्रॉस करो और यहाँ लाइन क्रॉस की। अगर आपकी उंगलियां लाइन पर है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ओनली लाइन के उस पार जानी चाहिए। 2 पॉइंट का फासला है, 50 सेकंड और 20-20 सेकंड की जो रेंज है उसमें ये फासला करीब हो सकता है। थोड़ा पॉइंट सुखा रही है और यहां आए हैं अक्ष पटेल, पूरी टीम एकजुट होकर आई और डिफेंस में पॉइंट मिला दिव्यपथ साइंस स्कूल को आखिरी के चंद लम्हे 30 सेकंड। और जर्सी नंबर मीत जोशी फिर से आ चुके हैं मैट पर, फिर से राइट कॉर्नर को टारगेट किया, एक और रेड पॉइंट लेकर आए, 7 रेड पॉइंट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इनकी तो हर सांस में कबड्डी है, डिफेंस भी अच्छा रेडिंग भी अच्छी। ये है क्वार्टर फाइनल 1 अहमदाबाद लेग केपीटी जूनियर्स का और जो इस मुकाबले को जीतेगा वो पहुंच जाएगा सेमीफाइनल्स में और हमें मिल चुके हैं हमारे पहले सेमी फाइनलिस्ट। बहुत बहुत बधाई हो दिव्यपथ साइंस स्कूल, आप बन चुके हैं पहले सेमी फाइनलिस्ट और ये है फाइनल स्कोर 16-19।
तीन पॉइंट के अंतर से जीती दिव्यपथ साइंस स्कूल, लेकिन बहुत बढ़िया खेले त्रिपदा इंग्लिश स्कूल, बहुत बेहतरीन कमबैक किया।